और उल्टा वैक्सीन के लिए फ़ोन आया, वैक्सीन लीजिए। तो वैक्सीन तो लेंगे लेकिन फिलहाल हम लोग कम से कम पेट तो भरना चाहिए। तो कुछ की तरफ से बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को, इतना परेशानी है कि अब हम लोग के पास सुसाइड का एक जो रास्ता बचा है। तो आप लोग भी उसी झुंड में से है ना जिसको आम बगान में भी जगह दी है। आम बगान में क्या करेंगे भाई, जहाँ पब्लिक ही नहीं है, जहाँ आदमी नहीं है, वहाँ लेके कपड़ा बैठे रहेंगे तो खरीदेगा कौन? खरीदारी नहीं तो फिर वहाँ बैठ के फायदा क्या? बहुत अभी स्थिति बहुत ख़राब में हम लोग जो है अभी कह रहे हैं, मतलब दो चार दिन, समझिए सच्चाई यही कि दो चार दिन चूल्हा नहीं जला था अभी बीच में हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। अब इतना प्रॉब्लम हो गया है कि अब हम लोग का दिमाग में तो डेली रात को एक बार एक ही बात आता है कि अपने आप को शूट कर ले या गोली मार ले या फांसी लगा ले, इतना प्रॉब्लम है। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है श्रीजन और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। हमारे साथ हैं ऑफ कैमरा अभिषेक और आज हम कुछ ऐसे लोगों से बात करने आए हैं जिन पर ध्यान कभी भी सरकार का, जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का, मंत्रियों का, सांसद का कभी भी नहीं जाता है। जी हाँ, ये वो हैं जो फुटपाथी दुकानदार हैं, डेली बेसिस पर दुकानें लगाते हैं। कोई मोजा बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है, कोई डेली ज़रूरत की चीज़ें बेचता है, चाहे वो कंघी हो और इस तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें हों। खासकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, जब इन्हें 65 दिनों की अवधि के बाद इन्हें मौका मिला है, दुकानें जो हैं वो अपनी खोल कर अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर भी ये लगाते हैं, जैसे दिखा दीजिए अभिषेक, पूरे बाज़ार में जो माहौल आपको दिख जाएगा इसी तरह अलग अलग जगह पर किस तरह लोग जो है कपड़े वगैरह और कारपेट वगैरह बिछा कर, ये दुकानदारी करने वाले लोग हैं, डेली कमाने वाले लोग हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनके पास से जब आप एक या दो चादर खरीद कर जाते हैं, एक या दो मोज़े या एक या दो कपड़े खरीद कर जाते हैं, तो इनके घर में चूल्हा जलता है। ये कुछ ऐसे ही लोगों से हम बात करेंगे। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेहताब आलम। कहाँ रहते हैं? मानगो में रहते थे। तो किस चीज़ की दुकान है आपकी? अभी ये ऐसी छोटा मोटा फुटपाथ में दुकान लगाते हैं हम लोग। फुटपाथ की दुकान है इनकी कपड़े की। और क्या क्या आइटम रखते हैं? सिर्फ टी शर्ट और ट्राउजर रखते हैं कम रेट का। तो अभी खासकर लॉकडाउन के बाद अभी किस तरह का माहौल है, कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है, कमाई हो रही ठीक से? नहीं, अभी तो लॉकडाउन का चाले ज़्यादा बिक्री बट्टा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, जैसे 20-25 तो बिकता था, अभी 2-4-5 पीस सुबह से बेच के बैठे। 2-4-5 पीस सुबह से 4 बजे? बस हाँ, 4 बजे तक है, 5 पीस बेच के बैठे हैं हम लोग। तो सरकार की तरफ से कोई मदद आप लोगों को? नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, और प्रशासन की तरफ से भगाता है। आज तो थोड़ा सा नहीं भगाए हैं, कल भी बहुत ज़्यादा प्रशासन यहाँ पे हमेशा भगाते रहते हैं। हाँ, सब भगाते रहते हैं। तो आप लोग सोचे नहीं कि मिलकर इसको लेकर सरकार के सामने आवाज़ उठाते हैं या बात करते हैं किसी से, जनप्रतिनिधि से, नेता से? ध्यान नहीं देता हम लोग पर, कोई ध्यान नहीं है कोई तरह का, ना किसी का तरह क्या बोले, मदद कुछ नहीं है हम लोग। बहुत अभी स्थिति बहुत ख़राब में हम लोग जो है अभी कह रहे हैं, मतलब 2-4 दिन, समझिए सच्चाई यही कि 2-4 दिन चूल्हा नहीं जला था अभी बीच में हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब हो गया था अभी। लेकिन घर में बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चा लोग तो हैं। सबके पढ़ाई वढ़ाई फीस वगैरह कैसे? फीस तो अभी बंद है, अभी फीस नहीं दिला रहा है। स्कूल से आ रहा है खबर कि पैसा देना है, जमा करना है। नोटिस रेगुलर? हाँ, नोटिस वगैरह तो आते ही है, बच्चों को बैठा देता है। अभी तो खैर ऑनलाइन पढ़ाई रोक दिया जा रहा है। कैसे फिर घर में चूल्हा कैसे चल रहा है, खाना पीना मतलब फिर कैसे हो रहा है? बस क्या करें, इधर उधर से इससे उचंती ले लिए, कभी उससे ले लिए, कभी इससे ले लिए, इसी तरह से काम चल रहा है। मतलब इतनी दयावह स्थिति हो गई है, बहुत बुरा हाल है हम लोग का भी। कुछ बताइए, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमील। कहाँ रहते हैं? जुगसलाई में रहता है। तो ये आपकी कपड़े की दुकान है यहाँ पर? जी हाँ, कपड़े की दुकान। ये कपड़े की दुकान है, इनकी दिखा दीजिए अभिषेक। क्या क्या बोलना चाहते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन के बाद अभी अनलॉक जैसे लग गया है, आप लोगों को भी दुकान खोलने का परमिशन जो है वगैरह दे दिया गया, लेकिन कमाई हो रही है नहीं हो रही, कैसे हो रही है कमाई वगैरह? कहाँ हो रही है, 2-4-10 पीस बिक रही है, 5 पीस अभी नहीं भी बिक रहा है, ये आलम है। तो परिवार का फिर पालन पोषण चल रहा है, किसी हालत से क्या किया जाए, है ना। हालात तो बहुत ख़राब है। आज हम लोग 4-5 दिन हम लोग दुकान लगाने नहीं मिल रहा था यहाँ। 4-5 दिन से दुकान ही लगाने? 4-5 महीना से नहीं लगाने, जनवरी से। जी हाँ, जनवरी से हम लोग, 12 जनवरी से हम लोग बंद किए हैं यहाँ के DC साहब, यहाँ हम लोग का उस टाइम से बंद कराए मैं कोरोना का लेकर के। तो खैर उनका बात का हम लोग पालन किए हैं, लेकिन अभी स्थिति इतना ख़राब हो गया था इसलिए हम लोग का मजबूरी था जो अभी खोले हैं, लेकिन आज थोड़ा सा राहत मिला है जो प्रशासन नहीं आया ना। तो कल तो आते तो आपको लगता है कि कैसे प्रशासन दौड़ा रहा है, भगा रहा है सभी दुकानदारों को, सभी दुकानदार को हाँ मारते हैं, भगाते हैं बहुत तरह का। तो उधर देखिए सरकार का मुंह है, क्या बोलना चाहते हैं सरकार को? सरकार को भी बोलना चाहिए, कुछ हम लोग को हेल्प करना चाहिए, कुछ मदद करना चाहिए। हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब है ना, और हम लोग को दुकान लगाने पर दिया जाए ना, जब हम लोग को मालूम है ऐसा ही हम लोग लगा के 2 पैसा कमा सकते हैं और यहाँ से भगाया ना जाए। जी हाँ, ऐसा भगा नहीं जाए, हम लोग कुछ मेहनत करेंगे, कमाएंगे ना। हम लोगों को भी डर लगा रहता है कि सरकार भगा देते हैं, प्रशासन भगा देते हैं, है ना। सही बात, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए, हमारा कारवा कंटिन्यू है और आपको कुछ ऐसे भी लोगों से मिलवाते हैं जो 17 जून से अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन 5 महीने की कड़ी अवधि के बाद इन्होंने दुकान खोली है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद कैसर इकबाल। कहाँ रहते हैं? आज़ाद नगर मानगो पुरलिया रोड। किस चीज़ का दुकान लगाते हैं यहाँ पर? कपड़ा का। कपड़ा का दुकान है, इनकी भी कपड़े की दुकान है यहाँ पर। तो कितने दिन बाद आज दुकान खोल रहे हैं? दुकान
पाँच छः महीना बाद खोल रहे हैं, उसके अलावा अगर दुकान लगेगा भी तो फिर हम लोग को मुस्तकिल तौर पे लगाने नहीं दिया जाएगा। लगाने नहीं दिया जाता है कभी, कोई प्रशासन तो कुछ की तरफ से बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को, इतना परेशानी है कि अब हम लोग के पास सुसाइड का एक जो रास्ता बचा है। तो आप लोग भी उसी झुंड में से है ना जिसको आम बगान में भी जगह दी है। दुकान में क्या करेंगे भाई, जहाँ पब्लिक ही नहीं है, जहाँ आदमी नहीं है, वहाँ लेके कपड़ा बैठे रहेंगे तो खरीदेगा कौन, खरीदारी नहीं तो फिर वहाँ बैठ के फायदा क्या। अच्छी जैसा जगह में बिक रहे, यहाँ नहीं बिक रहा तो वहाँ क्या बिकेगा बताइए आप। सुबह से तो ये जो पाँच महीना जो पार हुआ, जो दुकान नहीं खोले, परिवार का गुजर बसर कैसे हुआ, पालन हो गया, जो रिश्तेदार से कर्जा उर्जा लेकर के काम चलाया आदमी, अब इतना प्रॉब्लम हो गया है कि अब हम लोग का दिमाग में डेली रात को एक बार एक ही बात आता है कि अपने आप को शूट कर ले या गोली मार ले या फांसी लगा ले, इतना प्रॉब्लम है। तो घर में बच्चे भी होंगे? पाँच छः बच्चा है। स्कूल वगैरह उन लोग का फीस वगैरह ये सब सर? खाने का नहीं हो रहा, स्कूल का क्या होगा, खाने का नहीं हो रहा, ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा, पहनने का कपड़ा नहीं हो रहा, उसको स्कूल में कहाँ पढ़ा पाएगा अभी का टाइम में। आप ही सोचिए ना, जो साले भर समझ मान के चलिए जब अगले साल लॉकडाउन लगा था उस टाइम से आज तक परेशानी है आदमी, दुकान लगाने नहीं देगा, लगाने भागो लगाओ, बाल बच्चा का एकदम भुखमरी वाला हालत हो गया, अपना टेंशन नहीं है लेकिन बाल बच्चा का टेंशन है ना, इसीलिए परेशान है। लेकिन कोई आज से दिया गया है छूट तो आज पूरा दिया गया है, अब देखो आगे क्या होता है। अपने एसी कमरों में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को और मंत्रियों को, और ऐसे न जाने कितने लीडर है, कहे कि जमशेदपुर तो एक ऐसी जगह है कि हर दूसरी गाड़ी में आपको एक बोर्ड नज़र आ जाएगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, प्रभारी हो या जो भी हो। आपको यही कहना चाहते कि जब इलेक्शन आता है तो जब आते हो आप वोट मांगने के लिए ऐसे ही लोगों से, तो जब इनके मतलब की बात आप नहीं कर पाते हैं तो फिर उन ढकोसले भरे जो वादे आप करते हैं उन वादों पर कभी आपको ये सोचने की ज़रूरत है, अगर 1% भी अमल हो गया तो ऐसे लोगों के जीवन का गुजर बसर और परिवार का पालन पोषण भी बहुत भली भांति हो सकेगा। जब आप कभी बाहर निकलते हैं खरीदारी करने के लिए, चाहे वो आपके घर के ज़रूरत की चीज़ें हों, चाहे कपड़े हों, चाहे जूते हों, कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो फुटपाथ पर दुकान लगा कर बैठते हैं, और जब आपके घर का बच्चा खेलता है तो इनके घर का बच्चा खाता है। अपना नाम बताइएगा। शेख शब्बीर। कहाँ रहते हैं भैया? मानगो। आज कितने दिन बाद दुकान लगा रहे हैं? आज तो दुकान हम लगा रहे हैं करीब दो अढ़ाई महीने के बाद दुकान लगा रहे हैं। तो ये दो अढ़ाई महीने कैसी हालत रही है परिवार में, पालन पोषण में? परिवार में देखिए, जब अगल बगल वाला भाई ये सब ले करके चला है, और कुछ पूंजी मतलब कुछ पूंजी लगा है तो वो पूंजी भी नहीं आ रहा है, मतलब पूंजी का भी आपको रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रहा। रिटर्न वैल्यू नहीं मिल रहा, सेल रहेगा तो ही उससे निकलेगा, सेल भी ऐसा नहीं है, जिस हिसाब से पहले का सेल था उस हिसाब से अभी सेल भी नहीं है। पहले क्या है कि एक कस्टमर आते थे, तीन चार लेके जाते थे, सौ पचास रुपया तीन पीस में बचता था। अब क्या है कि एक पीस भी जो है ना, एक घंटा के बाद एक कस्टमर आ रहा है, एक पीस दो पीस ले रहा, उसमें क्या बचेगा। तो सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह आप लोगों को? सरकार की तरफ से मदद क्या मिलेगा, सरकार तो और खून चूस रही है भैया, और आपकी क्या बताएं, और आगे की सरकार का मुंह है, क्या बोलना चाहते हैं देखकर बताइए। सरकार तो और गरीब का खून चूस रही है भैया, और सरकार हम लोग की मदद क्या करेगी, आप जान ही रहे हैं दो साल से क्या हाल है, आज कुछ दिन के बाद दो साल होने जा रहा है। देखिए, राज्य सरकार से भी यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इससे पहले आपको वोट देने वाले लोग और आपके शहर से बिलोंग करने वाले लोग का आप पर से विश्वास उठ जाए, और इस बात से विश्वास उठ जाए कि हम जब वोट देंगे तो सरकार आने के बाद हमारे मतलब की बात होगी, इससे पहले कि उनका विश्वास उड़ जाए इनकी भी सुध लीजिए। ये डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, और जिनके पास सभी मूल सुविधाएं और सभी दिक्कत भरी चीज़ें जिनकी हल हो जाती हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि दिक्कत और लोगों को, आम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। तजुर्बेकार और अनुभवी बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर न जाने कितने सालों से दुकान लगा रहे होंगे। मंगला हाट आपको पता है, साक्ची में जहाँ पर लगा करता था, हम वहीं से ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ये फुटपाथी दुकानदार हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग, और न जाने लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में अभी इन्हें दुकानें लगाने का मौका मिला है। नाम बताइएगा अपना। हारून रशीद। कहाँ रहते हैं? गौसनगर। दुकान कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 10 साल से लगा रहे हैं। 10 साल से दुकान लगा रहे हैं, तो अभी अनलॉक के दौरान अभी जिस तरीके की प्रक्रिया रही है, अभी कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? आज लगाए। कितने दिनों बाद? करीब कह लिए कि अनलॉक से पहले भी हम लोगों का 6 महीने से ये दुकान बाजार छह महीने से दुकान बंद थी बाजार की। घर में बच्चे भी होंगे? बच्चे, दो बच्चे हैं। हाँ, तो पालन पोषण कैसे हो रहा है परिवार का? मालिक। और सरकार की तरफ से कोई मदद? मैं कोई मदद नहीं है सर, कोई मदद नहीं। सरकार देख रही है, क्या बोलना चाहते हैं? सरकार की तरफ से मेरे को कोई मदद नहीं है। हम लोग भाड़े का घर है, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, फीस जमा नहीं किए हैं, यहाँ पे लगाने में दिक्कत है, प्रशासन हम लोगों का हटाती है। अगर यहाँ रेगुलर लगने दिया जावे तो हम लोग का बाल बच्चों का दाल रोटी चल सकता है। मतलब गरीब और ज़रूरतमंद का कोई नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं। देख रहे हैं आप,
यहाँ से राज्य सरकार को भी हम यही सवाल करना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं और ये कहते हैं कि हमें वोट दीजिए तो सड़कें हम ऐसी बना देंगे, हमें वोट दीजिए तो गरीबों के लिए ये आयुष्मान योजना शुरू कर देंगे, इस तरह की योजना शुरू कर देंगे, राशन दे देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ऐसे कितने घर हैं जहाँ पे न जाने 4-5 महीनों से डेली किस तरह से चूल्हा जल रहा है और किस तरह से लोग खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, इसका ज्ञान जो है इसका बोध आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए हम हमेशा मौजूद रहेंगे इसी तरह। क्या नाम हुआ आपका? रफ़ी आलम। कब से दुकान लगा रहे हैं? करीब 12 साल से। 12 साल से अभी अनलॉक के बाद कब से लगाना शुरू किया? अनलॉक से आज 3 दिन से बारिश हो रहा था, 3 दिन आज लगाया है, अभी तो 4 पीस बेचे हैं। कैसा दुकानदारी कैसे हो रही है? हल्का फुल्का है, पहले से नहीं दुकानदारी, पहले जैसा नहीं है। और यहाँ पे दुकान लगाने वगैरह दिया जा रहा है कि दिक्कत विकत हो रहा है? दिक्कत तो हो रहा था लेकिन आज तो लगा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। करीब 6 महीना से हम बंद है। 6 महीने से बंद है? परिवार का, फिर परिवार का पालन पोषण? बस ऐसी इससे उससे कर्जा गुआम करके चला रहे थे, काम क्या करे। और मदद कुछ? कहीं से मदद नहीं, कोई सरकार कुछ राशन, कुछ गेहूँ चावल, कुछ भी नहीं, हम लोग को तो ऐसे नहीं मिला कुछ भी नहीं। और उल्टा वैक्सीन के लिए फ़ोन आया, वैक्सीन लीजिए, तो वैक्सीन तो लेंगे लेकिन फिलहाल हम लोग को कम से कम पेट तो भरना चाहिए, पेटे खाली तो क्या वैक्सीन लें। और घर में बच्चे भी होंगे? हाँ, सब परिवार है। स्कूल वगैरह फीस ये सब कैसे? सब उधारी सबसे उससे उससे ले कर चला रहे, बहुत कर्जा में अभी है, बहुत कर्जा में हम लोग, अभी पूरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है हम लोग का। अभी आज से लगाए हैं, आज से चालू किए, 2-4 पीस बेचे हैं, देखिए आगे फिर क्या होता है। उधर देखिए सरकार देख रही है, क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से यही बोलना चाहते हैं हम लोग, अभी कुछ ध्यान दिया जाए फुटपाथी दुकानदारों को, जैसे सर और भी महाराष्ट्र में और भी जगह में है सहायता मिल रहा है, उसी उस तरह का हम लोग भी दिया जाए, कुछ सपोर्ट किया जाए सरकार की तरफ से। ऐसे तो जिला प्रशासन तो बहुत परेशान करते हैं, अभी फिलहाल तो लगाए हैं आज, उसके बाद देखते क्या होता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना नाम बताइएगा। नाम आलिशान नवाब है। कहाँ रहते हैं? यही साकी में रहते हैं। कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर? हो गया 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गया, तो मतलब आपके पिता लगाते थे उसके बाद? हाँ। आप यहाँ पर तो अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक में अभी किस तरह की परिस्थितियाँ हैं आपके लेकर? अभी वैसे दुकानदारी नहीं है और थोड़ा सा अनलॉक हुआ, अभी तो 4 बजे तक का समय है तो ग्राहक भी कम निकलते हैं और दुकानदारी भी नहीं है वैसी, और थोड़ा सा तो फिर अभी जो दिक्कत रही, कितने दिन बंद रहा दुकान आपका? दुकान जनवरी से बंद है पूरा कंप्लीट। जनवरी से बंद जी, अभी आज खोले हैं दुकान? जी हाँ आज खोले हैं। तो इतने इस जो 4-5 महीने का जो समय था, परिवार का पालन पोषण वगैरह कैसे हुआ? तो ये समझ लीजिए कर्जा लेके हम लोग समझ लीजिए राशन वाशन किए हैं, स्कूल का फीस वगैरह जमा नहीं किए हैं और घर भी हम लोग का भाड़ा, स्कूल का फीस भी जमा नहीं हुआ? नहीं नहीं स्कूल फीस जमा नहीं हुआ। और सरकार की तरफ से कोई मदद? नहीं वैसा कुछ मदद, हम कोई मदद नहीं, मतलब मंत्री आते हैं वोट मांगते हैं चले जाते हैं उसके बाद। हाँ वैसा अभी हम लोग कोई मदद नहीं है सरकार की तरफ से लगभग। तो देख रही है हमको, क्या बोलना चाहते हैं अपनी तरफ से, अपने सभी भाइयों की तरफ से क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहेंगे सर कि क्योंकि हम लोग फुटपाथी है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और इसी से परिवार चलता है हम लोग का। अभी 5 महीना हम लोग का जैसे बंद रहा तो हम लोग ना घर का भाड़ा दे पाए हैं ना बच्चों का फीस दे पाए हैं। अब स्कूल में भी पता नहीं हो आगे पढ़ाई हो पाएगा बच्चों का कि नाम कट जाएगा, कुछ पता नहीं है हम लोग को। और खाना राशन हम लोग कर्जा लेके किए हैं जितना जैसे हो रहा है। कही यहाँ के जो सांसद हैं उनको 20 साल से वोट दे रहे हैं, माननीय मन्ना गुप्ता जी हैं, मंत्री जी हैं यहाँ के, उनको हम लोग 20 साल से मतलब पहला वोट जो मेरा जीवन का पहला वोट था बन्ना गुप्ता जी को पड़ा था और वो किसी भी पार्टी में रहे वो कभी उनके प्रति आपकी निष्ठा कभी कम नहीं? नहीं नहीं उन्हीं को वोट। उनके तरफ से आपके लिए कोई अभी? हाँ मंत्री जी भी जो हमारे विधायक जी हैं, थोड़ा सा उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बहुत अधिक लोग यहाँ पे जो है समस्या है और बहुत अधिक परिवार हैं, 500-600 परिवार तो मतलब दुकानदार हैं, फिर उनसे 2-2 आदमी का परिवार चलता है एक एक दुकान से, तो कम से कम विधायक जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि बेरोजगारी बढ़ेगी और भुखमरी बढ़ेगी। और बहुत से जगह में ऐसा देखा है कि आदमी भुखमरी से आदमी आत्महत्या तक कर लेता है, तो इस विषय में थोड़ा सा मंत्री जी को सोचना चाहिए। यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करने हम किसी को भी नहीं आए थे, लेकिन जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं और जितने भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं से और अपने सपोर्टर से और आपके अपने अंधभक्तों से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो कुछ इन जैसे लोगों की भी सुध लीजिए, क्योंकि ये भी जो है डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, हमारे शहर का ही हिस्सा है और ख़ासकर निचले स्तर के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अगर झुंड बनाकर भी
अलग अलग एसोसिएशन से जुड़कर भी आप तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इनकी आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करने के लिए और ऐसे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सोशल संवाद हमेशा मौजूद रहेगा। अब अन्य कुछ इसी तरह की टॉपिक को लेकर आपके समक्ष जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद में। सृजन मिश्रा, जमशेदपुर, झारखंड। जय हिंद दोस्तों।